हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मीडियम को लेकर कि आपको डाइट में 2 साल कौन सा मीडियम लेना चाहिए पढ़ाई का, हिंदी या इंग्लिश, ताकि आप अच्छे से अपना डाइट 2 साल में कंप्लीट कर सकें, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो डॉक्टर आपके बुक्स से रिलेटेड कि बुक्स ही अवेलेबल नहीं है इसको लेकर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको अब जो है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है आपका सिलेबस को चेंज किए हुए, तो अब इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बुक्स अवेलेबल हैं, तो आपको जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं, 12th क्लास तक आपने जिस मीडियम तक पढ़ाई की है, आप उस मीडियम में बुक को ले सकते हैं, उस मीडियम को आप चूज़ कर सकते हैं। और नंबर एक बात कि आपसे डाइट में मीडियम पूछेगा ही नहीं, कोई आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आपका कौन सा मीडियम है, आपका बस एडमिशन ले लिया गया है और आपने बताया प्राइवेट में आपसे फॉर्मेलिटी के लिए पूछ भी सकते हैं कि आपने कौन सा मीडियम लिया, लेकिन गवर्नमेंट डाइट में से पूछा नहीं जाएगा, आपको जिस मर्जी में हो उस मर्जी में आपको आंसर देना है। अब ये ध्यान देना है कि कुछ स्टूडेंट का डाउट आता है कि मैम हमने मैथ्स और साइंस इंग्लिश में पढ़ी है लेकिन सोशल साइंस जो है हिंदी में पढ़ रखी है, तो क्या हम पेपर को ऐसे कर सकते हैं कि कुछ पेपर को इंग्लिश में दे दें, कुछ पेपर को हिंदी में दे दें? तो देखो, आपसे क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं है कि आपकी कौन सी लैंग्वेज है, और अगर पूछा है तो भी आपको क्या करना है, आपका जो भी पेपर है जैसे मैथ्स का पेपर आपका आता है तो आप उसको इंग्लिश में अगर देना चाहते हैं तो आपको पूरा पेपर इंग्लिश में देना होगा, भले आपका हिंदी मीडियम हो। ओके, आपको खुद का मीडियम पता है, आप किसी और को आपका मीडियम नहीं पता। अगर आपका आपको वो इंग्लिश में देना है तो आप पूरा पेपर इंग्लिश में देना है, अगर आपको हिंदी में देना है तो आपको पूरा पेपर हिंदी में देना होगा। वो पर्टिकुलर एक पेपर की बात कर रही हूँ मैं। ओके, अगर दूसरा कोई पेपर है, ईवीएस का पेपर है और आपने आपका मीडियम हिंदी है तो आप उसे हिंदी में दीजिए, और अगर आपका मीडियम हिंदी है फिर भी आपको इंग्लिश में पेपर देना है तो आप इंग्लिश में पेपर दीजिए, कोई आपसे कुछ नहीं पूछेगा। बस आपको एक बात जो है ध्यान में रखनी है कि अगर आपने पेपर हिंदी में स्टार्ट किया है तो पूरा एंड तक हिंदी में होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन को इंग्लिश में आंसर कर दिया और सेकेंड क्वेश्चन को आप हिंदी में आंसर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको देखना है कि आपको पूरा पेपर सिर्फ एक लैंग्वेज में देना होगा, भले आपके जितने भी 10 पेपर हैं उसमें से कुछ पेपर इंग्लिश में लिखते हैं या हिंदी में लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका जो बहुत बड़ा डाउट था DLED के सब्जेक्ट को लेकर, आपके मीडियम को लेकर, तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना, और अब मीडियम को लेकर टेंशन को आपको छोड़ देना है। हाँ, और एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, मेरी सिस्टर के 1000 सब्सक्राइबर्स करवाने हैं नीरू तिवारी मेकओवर्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए नीरू तिवारी मेकओवर्स। अगर मैंने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है एडमिशन में या फिर आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके से अगर मैंने आपकी हेल्प की है तो आप यहाँ मेरी हेल्प करिए और जल्दी से जाके नीरू तिवारी मेकओवर्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।